नमस्कार दोस्तों, इकरा आईएएस करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में आप सभी का स्वागत है। 5 से 11 जुलाई के करंट अफेयर्स के कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे और बेसिकली सोर्सेज भी मैं आपको बताता हूं। तो पीआईबी से निपुण भारत मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है निपुण भारत, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट जिसमें ये आता है कि यार क्लास टू क्लास थर्ड स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो ढंग से पढ़ नहीं पाते, ढंग से मतलब 2+2=4 भी जोड़ नहीं पाते। तो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में दिक्कत है। तो निपुण भारत मिशन एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा विच विल बी इंश्योरिंग कि देयर विल बी अ यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ओके, तो ये हर एक चाइल्ड को इनेबल करेगा कि वो एक डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसी अचीव कर सके रीडिंग में, राइटिंग में, न्यूमरेसी में बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 बाय 2026-27। एक 5-tier इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म सेटअप किया जाएगा नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल लेवल में, हर राज्य में और यूटी में। ठीक है, तो ये जो मिशन है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स थ्रू द फ्लैगशिप स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम जिसका नाम है समग्र शिक्षा। ठीक है, अ नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स विल बी कंडक्टेड टू सेट अ बेस लाइन टू ट्रैक द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द मिशन। और साथ ही साथ द मिशन ऑल्सो एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अ चिल्ड्रंस मदर्स टंग इन टीचिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत जगह आपने देखा होगा कि अगर बच्चे की पढ़ाई उसकी मदर टंग में होती है, खास करके शुरुआती स्टेजेस में, तो उसकी लर्निंग प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती है। ओके, अगर आप किसी भी बच्चे को शुरुआत से ही किसी ऐसी भाषा में पढ़ाओगे जो उसको नहीं आती है तो उसको दिक्कत आती है। धीरे धीरे हालांकि वो उस भाषा को सीख लेता है, लेकिन मदर टंग में शुरुआती पढ़ाई होनी चाहिए, इस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। नो एडिशनल फंडिंग इज बिंग एलोकेटेड फॉर दिस मिशन एंड इंस्टेड मनी इज बिंग एलोकेटेड फॉर द समग्र शिक्षा स्कीम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसका एक गोल भी है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ओके, सो इनिशियली द पॉलिसी हैज इंक्लूडेड 2025 डेडलाइन टू अचीव द गोल बट द टारगेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 2026-27। आगे चलते हैं, बोल्ड प्रोजेक्ट। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट बोल्ड इन उदयपुर राजस्थान। ठीक है, सो प्रोजेक्ट बोल्ड इट सीक्स टू क्रिएट बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस इन एरिड एंड सेमी एरिड लैंड जोन्स ऑफ द कंट्री। इट एम्स एट रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन एंड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन इन द कंट्री। एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 5000 सैम्पलिंग, ठीक है, बैम्बू स्पीशीज की असम से स्पेसिफिकली ब्रॉट किए गए हैं बेसिकली, एंड दे हैव बीन प्लांटेड ओवर 16 एकर्स ऑफ वेकेंट एरिड ग्राम पंचायत लैंड इन राजस्थान। फर्दर द KVIC इज सेट टू रेप्लीकेट द प्रोजेक्ट एट विलेज धोलेरा इन अहमदाबाद इन गुजरात एंड लेह लद्दाख रीजन। तो इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, फर्स्टली इट हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ बैम्बू सैपलिंग्स ऑन अ सिंगल डे एट वन लोकेशन। सेकेंडली, द प्रोजेक्ट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द लैंड डिग्रेडेशन परसेंटेज ऑफ द कंट्री एंड थर्डली इट विल गिव अ बूस्ट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द रीजन। ओके, सो बैम्बूज दे ग्रो वेरी फास्ट और 3 साल में बेसिकली दे कुड बी हार्वेस्टेड। दे आर नोन फॉर कंजर्विंग वाटर, रिड्यूसिंग एवेपोरेशन एटसेट्रा। ओपेक प्लस, द मीटिंग्स अपॉन द ओपेक प्लस ग्रुप ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैव स्टॉल्ड बिकॉज द UAE हैज पुश्ड बैक प्रपोजल्स मेकिंग एन इंक्रीज इन क्रूड ऑयल सप्लाई कंडीशनल ऑन एन एक्सटेंशन टू एन आउटपुट अग्रीमेंट। बैकग्राउंड अगर हम देखें, ओपेक प्लस कंट्रीज ने अप्रैल 2020 में 2 साल का अग्रीमेंट साइन किया था जिसमें कि मतलब ये बात हुई थी कि क्रूड प्रोडक्शन में हमें कटौती करनी है ताकि प्राइजेस जो घट रहे हैं ना उसे हम थोड़ा सा मेंटेन कर सकें, बढ़ा सकें भाई, और वो तभी होगा जब हम प्रोडक्शन में कट करेंगे। नाउ इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के तहत जो प्राइस थे वो बढ़ने शुरू हुए एंड इट हैज नाउ रीच्ड $76.5 पर बैरल। नाउ डिस्पाइट दिस, ओपेक प्लस मेंटेन्ड लोअर लेवल ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एंड हाउ एवर द ग्रुप रैन इनटू शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमीज क्योंकि भैया प्राइस बढ़ने लग गए। तो इंडिया और ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमीज ने रेस किए कंसर्न्स कि यार इस तरीके से आप डिलीबरेटली प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। ओके, सो द करंट इशू इज बिटवीन UAE एंड सऊदी अरेबिया। UAE हैज एक्सेप्टेड अ प्रपोजल फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू रेज द आउटपुट ऑफ क्रूड ऑयल इन फेजेस। हाउएवर, UAE हैज रिजेक्टेड एक्सटेंडिंग द रिमेनिंग कट्स टू द एंड ऑफ 2022 फ्रॉम द करंट एंड डेट ऑफ अप्रैल 2021 विदाउट एडजस्टिंग इट्स करंट बेसलाइन प्रोडक्शन। नाउ अगर ओपेक प्लस कंट्रीज इस समझौते पे नहीं पहुंचते हैं टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, देन जो प्राइजेस हैं वो और बढ़ते चले जाएंगे।
और इंडिया में तो आप देख ही रहे हो 100 पार हो चुका है पेट्रोल भाई, ठीक है। सो ओपेक प्लस इज अ ग्रुप ऑफ 24 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जिसमें 14 ओपेक कंट्रीज हैं और 10 नॉन ओपेक मेंबर्स हैं। ओके, वो कौन कौन से हैं? अजरबैजान, बहरेन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान, सूडान। सो द ओपेक ब्लॉक इट इज़ नॉमिनली लेड बाय सऊदी अरेबिया जो कि लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। रशिया इज द बिगेस्ट प्लेयर अमॉन्ग द नॉन ओपेक। सो ये फॉर्मेट 2017 में बेसिकली इट वॉज बॉर्न एंड बेसिकली इट वॉज बॉर्न विद अ डील टू कोऑर्डिनेट ऑयल प्रोडक्शन अमॉन्ग द कंट्रीज इन अ बिड टू स्टेबलाइज प्राइसेस। देन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हैज सेट अप अ 9-member एडवाइजरी काउंसिल फॉर क्रिएटिंग एन ONDC। नाउ ONDC इज बिंग डिजाइंड टू कर्ब द मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल ऑफ इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेज ऑन अ सिंगल नेटवर्क ऑन द लाइन ऑफ UPI। इट विल डू दिस बाय प्रमोटिंग ओपन नेटवर्क डेवलप्ड ऑन ओपन सोर्स मेथडोलॉजी यूजिंग ओपन स्पेसिफिकेशन ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट था इट वॉज असाइंड टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी आप जरूर पढ़ें। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा गाइडलाइंस NMCG, NMCG हैज रिलीज्ड अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग गाइडलाइंस फॉर सिटी सिचुएटेड अलॉन्ग रिवर्स। दीज गाइडलाइंस आर करेंटली फॉर टाउन सिचुएटेड नियर गंगा एंड देर आर 97 टाउन्स उत्तराखंड, UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 5 राज्यों में मिला के। तो की गाइडलाइंस अगर हम डिस्कस करना चाहें, फर्स्टली द सिटीज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स विल हैव टू इनकॉर्पोरेट रिवर कंजर्वेशन प्लान्स व्हेन दे प्रिपेयर देयर मास्टर प्लान्स। सेकेंडली द रिवर सेंसिटिव प्लान्स मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड कंसिडर क्वेश्चंस ऑफ लैंड ओनरशिप सच एज रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्लोर एरिया रेशियो, ग्राउंड कवरेज, सेटिंग लिमिट्स ऑन द मैक्सिमल मैक्सिमम परमिसिबल हाइट्स ऑफ बिल्डिंग एटसेट्रा। थर्डली द प्लान should include a systematic and alternative livelihood rehabilitation plan for encroaching entities, and fourthly the master plan should not mandate specific technologies but it can create an environment for facilitating the use of the state of art technologies for river management. So this includes satellite based monitoring of water quality, artificial intelligence for riverine biodiversity mapping, big data, citizen science for river health monitoring, and unmanned aerial vehicle for flood plan mapping. Then Arctic's last ice area. So a part of the Arctic's ice called last ice area has started showing signs of melting earlier than what the scientists had expected. So ये जो last ice area है, it is located north of Greenland and in the Ellesmere Island in the Canadian territory of Nunavut. Okay, so scientists had believed this area was strong enough to withstand global warming. In 2015, National Geographic had forecasted the total disappearance of summer ice in the Arctic by year 2040. The only place that would be able to withstand a warming climate would be the last ice area. और यहाँ पे भी last ice area में भी जो melting है वो समय से पहले होती दिखाई दे रही है. Okay, so ये last ice area important क्यों है? Because it was thought to be able to help ice dependent species as ice in the surrounding areas melted away. भाई ऐसा माना गया था ना कि बाकी एरियाज में मेल्टिंग हो जाएगी बट यहाँ पे नहीं होगी उस तरीके से, और इस वजह से जो पोलर बियर्स हैं और बाकी जो आइस डिपेंडेंट स्पीशीज हैं उनके लिए ये एरिया काम आएगा, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। अब ये क्यों मेल्ट हो रहा है? द फर्स्ट साइन वाज ऑब्जर्व्ड इन 2018। रीजंस आर अबाउट 80% कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वेदर रिलेटेड फैक्टर्स जैसे कि विंड जो कि मतलब आइस को ब्रेक कर देते हैं, आइस को इधर उधर मूव कर देते हैं। द रिमेनिंग 20% कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द लॉन्ग टर्म थिनिंग ऑफ द आइस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द सिनेरियो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, लास्ट आइस एरिया जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भारत सरकार ने क्रिएट किया है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है ये क्रिएट किया गया है किस चीज के लिए? फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। ओके, नाउ की ऑब्जेक्टिव्स। पहला, ये एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगा ताकि भारत में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसे मजबूत किया जा सके। सेकेंडली, इट विल मेक द कोऑपरेटिव मूवमेंट अ ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट। कैसे? ग्रास रूट लेवल तक पहुंच के। थर्डली, इट विल वर्क टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कोऑपरेटिव्स एंड इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। ओके, देन उसके बाद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, इट हैज क्रिएटेड अ डेटाबेस ऑफ जीनोमिक वेरिएशंस इन ओरल कैंसर कॉल्ड DB-GenWalk। ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेटाबेस है इन द वर्ल्ड एंड इट्स अ ब्राउजेबल ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ जीनोमिक वेरिएंट्स ऑफ ओरल कैंसर एंड इट विल कंटेन सोमैटिक एंड जर्मलाइन वेरिएंट्स डिराइव्ड फ्रॉम ओरल कैंसर पेशेंट्स। इट हैज ऑल्सो बेसिकली द डेटाबेस ऑल्सो हैज बिल्ट इन सर्च इंजन।
ओके इट विल अलाउ द रिसर्चर्स टू कैरी आउट एनालिसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग वेरियंट्स इन एसोसिएटेड ऑल्टर्ड पाथवेज इन ओरल कैंसर. ओरल कैंसर इज द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ कैंसर अमॉन्ग मैन इन इंडिया, लार्जली फ्यूल्ड बाय टोबैको च्यूइंग. इट कॉजेज चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल्स इन द ओरल कैविटी एट्स वेल. NIBMG has been established as an autonomous institution under the Department of Biotechnology. This is the first institution in India explicitly devoted to research, training, translation, service, etc. It is located in Kalyani, West Bengal. Somatic cell or germline cell, कई बार पूछा जा भी सकता है. So somatic cell is any cell of the body except sperm and egg cells. Okay, they are diploid, मतलब they contain two set of chromosomes. Germline cells are the sex cells. Okay, that are used by sexually reproducing organisms to pass on genes from generation to generation. Future for all report. So WWF or UNEP ne ek report release ki hai jiska title hai A Future for All, the need for human wildlife coexistence. Okay, so human animal jo conflict hai ye bahut bada threat hai. Okay, kai sare iconic species ka jo long term survival hai wo isi wajah se to threat mein hai kyunki human animal conflict hai bhai. So human wildlife conflict in combination with other threats has driven the significant decline of species that were once abundant, and species that are naturally less abundant have been pushed to the brink of extinction. तो जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे वो कम हो गए, जो कम क्वांटिटी में थे वो गायब भी हो जाएंगे. ओके सो सच इंपैक्ट नॉट लिमिटेड जस्ट टू वाइल्ड लाइफ, इट वुड आल्सो अफेक्ट ह्यूमंस हु लिव्ड अलोंगसाइड वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज रिच इन बायोडायवर्सिटी. नाउ कंप्लीटली इरेडिकेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन वेल प्लान्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो इन्हें रिड्यूस करने में जरूर भूमिका निभा सकता है. इंडिया विल बी मोस्टली अफेक्टेड बाय इट बिकॉज इट हैड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट human population as well as large population of tigers, Asian elephants, one-horned rhinos, Asiatic lions, etc. Human elephant conflict, India's elephant probably reflect the scale of the problem the best. Animals are reflected to just 3-4% of their original habitat, and the remaining range is plagued by deforestation, invasive species, climate change. Okay, the animals are thus pushed to find food outside of protected areas where they clash with humans. Simple सी बात है यार, ये तो UPSC के हर एक aspirant को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है. And in response, WWF India ने Sonitpur model develop किया था 2003-04 में, ठीक है, जिस basically by which community members were connected with the state forest department. WWF ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. 1961 में इट वॉज फाउंडेड टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ द प्लैनेट्स नेचुरल इन्वायरमेंट एंड टू बिल्ड अ फ्यूचर इन विच ह्यूमंस लिव इन हार्मनी विद द नेचर. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यूनियन कैबिनेट ने इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस है वो अप्रूव कर दिए हैं. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन फार्मर्स वेलफेयर द्वारा लॉन्च की गई थी. It aims to provide medium long term debt financing facility for investment in viable projects. Okay, इसमें post harvest management infrastructure, community farming assets, etc. शामिल है. Now key changes, eligibility जो है इस particular scheme के तहत जो credit की eligibility है, it has been extended to state agencies, APMCs, National and State Federation of Cooperatives, FPOs, SHGs, etc. At present, interest subvention for a loan up to rupees 2 crore in one location is eligible under the scheme. However, from now on, entities would be able to get interest subvention of 3% per annum, not just for one loan up to 2 crores, but for multiple projects at different locations. ठीक है, beneficiaries, the power to make necessary changes with regard to the addition or deletion of beneficiary has been delegated to the Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare. Okay, the duration of the financial facility, it has been extended from 4-6 years, and the overall period of the scheme has been extended from 10-13 years. Sparsh portal, Ministry of Defence ne launch kiya hai. Iska full form hai System for Pension Administration Raksha Portal. It's an integrated system for automation of sanction and disbursement of defence pension. The portal processes pension claims and credits pension directly into the bank account of defence pensioners without relying on an external intermediary. It is also available for pensioners to view their pension related information, access services and register complaints for redressal of grievances. And as part of the system, service center will be established to provide last mile connectivity to pensioners who may be unable to directly access the Sparsh portal for any reason. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे और बताना चाहूँगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन. इन एडिशन टू सेवरल ऑफिसेज ऑफ द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट विच आर ऑलरेडी फंक्शनिंग एज अ सर्विस सेंटर, SBI और PNB को भी सिलेक्ट किया गया है.
देन रिसर्चर्स ने दो नए स्पीशीज ऑफ स्पाइडर डिस्कवर किए जिसका नाम था ग्रेविलिया बोरो एंड डेक्सीपस क्लीनी, ओके, फ्रॉम द झरबारी रेंज ऑफ वेस्टर्न असम्स चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट। तो ग्रेविलिया बोरो, इट्स अ बोरो स्पाइडर, इट बिलोंग्स टू द नेमेसिडाई फैमिली विच कंप्राइजेस 184 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड। इट लिव्स अंडरग्राउंड अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर बिलो द सैंडी लोम सर्फिस, और जो इसका नाम है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द बोडो कम्युनिटी जो कि असम में रहते हैं। डेक्सीपस क्लैनी, इट्स अ ओरिएंटल जंपिंग स्पाइडर, इट बिलोंग्स टू द सेल्टी सीडे, द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ ऑल स्पाइडर्स ऑन अर्थ। इट हैज बिन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन 129 ईयर्स अगो इन सुमात्रा इंडोनेशिया। द जंपिंग स्पाइडर इज अ स्लो मूवर बट कैपेबल ऑफ जंपिंग अप टू 25 mm इन लेंथ टू हंट इट्स प्रे। अदर डिस्कवरीज, स्टॉलिक्सिया वेनह्यू एनिलाए, ठीक है, सो इट्स अ नॉन वेनेमस स्नेक डिस्कवर्ड इन अ ड्राइड अप एरिया ऑफ ट्विंगलेंग रिवर बेड इन मिजोरम, एंड इट बिलोंग्स टू द स्टॉलिक्सिया जीनस एंड इट्स द ओनली थर्ड स्पीशी ऑफ स्टॉलिक्सिया फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सो ये एक मिजो वॉरियर थे, वेनह्यूएनिलाए, उनके नाम पे ये रखा गया है, ओके। सो इट्स अबाउट 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट हैज अ डार्क ब्राउन शेड अबव विद अ फ्यू डोर्सल स्केल रोज ब्राइट येलो इन कलर। द रिसर्चर्स हैव ऑल्सो नेम्ड द स्नेक एज लुशाई हिल्स ड्रैगन स्नेक, ओके, इन द लोकल मीजो लैंग्वेज इट इज कॉल्ड रल्फ्यूसिन, मतलब स्नेक विद स्मॉल स्केल्स। जीका वायरस न्यूज में था बिकॉज केरला में 15 केसेस आए थे, सो जीका के बारे में तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है कि भाई डेंगू और चिकनगुनिया जिससे फैलता है एडीस एजिप्टी, उसी से ही जीका भी इन्फेक्शन होता है, ओके। सो ओरिजिन अगर हम देखें, पहली बार 1947 में युगांडा में मंकीज में इसे आइडेंटिफाई किया गया था, 5 साल बाद ह्यूमंस में भी आइडेंटिफाई किया गया। द फर्स्ट लार्ज आउटब्रेक वॉज कॉज बाय जीका इन्फेक्शन फ्रॉम द आईलैंड ऑफ याप इन 2007। फिर 2015 में ब्राज़ील में भी इसका मेजर आउटब्रेक हुआ जहां पता चला कि भाई जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो माइक्रोसिफेली के साथ हो रहे हैं, बेसिकली उनके जो ब्रेन्स हैं वो बहुत बड़े बड़े ब्रेन्स पैदा हो रहे हैं उनके, ठीक है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं अंडर डेवलपमेंट हो जा रही थी, ओके, काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा फेस आपने देखा होगा बच्चों के, दोज हुआ डायग्नोज विद माइक्रोसिफेली, ओके। सो ट्रांसमिट कैसे होता है, इट इज़ ट्रांसमिटेड टू पीपल प्राइमरली थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो, मदर से चाइल्ड, ठीक है, देन उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिशन एज वेल। सिम्टम्स अगर हम देखें, मोस्टली पीपल दे डू नॉट डेवलप सिम्टम्स, द इंक्यूबेशन पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी 3 to 14 days, द सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ फ्लू इंक्लूडिंग फीवर, बॉडी एक, हेडेक एटसेट्रा, ओके। जीका हैज़ नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन, symptoms are mild, usually require rest, consumption of plenty of fluids, common pain, etc. Bihar's Valmiki Tiger Reserve, so भाई authorities जो हैं VTR में उन्होंने planning start कर दी है for conservation of vultures after 150 birds were recently sighted in the protected area. Okay, so different species कौन कौन से हैं, Egyptian vulture, Griffon vulture, white rumped vulture, Himalayan Griffon, etc. VTR forms the easternmost limit of the Himalayan Terai forest in India, situated in the Gangetic Plains biogeographic zone of the country, and Indian flying foxes can be sighted here as well. ठीक है, so there are 9 recorded species of vultures, Oriental white-backed, long-billed, slender-billed, Himalayan red-headed, Egyptian bearded, cinrus, Eurasian griffon, etc. China's malaria free by WHO. ओके, सो फॉलोइंग द 70 ईयर एफर्ट चाइना को अवार्ड कर दिया गया है भैया WHO द्वारा कि आप मलेरिया फ्री हो गए हो, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है उस देश के लिए जहां 1940 में हर साल 30 मिलियन केस रिपोर्ट किए जाते थे, ओके। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री इन द WHO वेस्टर्न पैसिफिक रीजन टू बी अवार्डेड अ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन इन मोर देन 3 decades, ओके। चाइना के अलावा पिछले 30-40 सालों में अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इन्हें ये सर्टिफिकेशन मिला है, एंड ग्लोबली 40 कंट्रीज एंड टेरिटरीज हैव बीन ग्रांटेड अ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन, अल सलवाडोर 2021 और अल्जीरिया 2019, ओके। सो की टू सक्सेस अगर हम देखें, तो चाइना ने एक 137 स्ट्रेटजी अपनाई थी, वन सिग्निफाइज द वन डे डेडलाइन फॉर हेल्थ फैसिलिटीज टू रिपोर्ट अ मलेरिया डायग्नोसिस, बाय द एंड ऑफ डे 3 हेल्थ अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू कन्फर्म अ केस एंड डिटरमाइन द रिस्क ऑफ स्प्रेड एंड विद इन 7 days अप्रोप्रिएट मेजर्स मस्ट बी टेकन,
ठीक है। सो चाइना प्रोवाइड्स अ बेसिक पब्लिक हेल्थ सर्विस पैकेज फॉर इट्स रेसिडेंट्स फ्री ऑफ चार्ज। एज पार्ट ऑफ दिस पैकेज ऑल पीपल इन चाइना हैव एक्सेस टू अफोर्डेबल सर्विसेज फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया रिगार्डलेस ऑफ लीगल फाइनेंशियल स्टेटस। WHO का ये जो सर्टिफिकेशन है, WHO सर्टिफिकेशन ग्रांट करता है व्हेन अ कंट्री हैज डेमोंस्ट्रेटेड दैट द चेन ऑफ इंडिजीनियस मलेरिया ट्रांसमिशन हैज बीन इंटरप्टेड फॉर एटलीस्ट 3 साल के लिए, ठीक है। अ कंट्री मस्ट ऑल्सो डेमोंस्ट्रेट द कैपेसिटी टू प्रिवेंट द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसमिशन। और फाइनल जो भी डिसीजन होता है इट इज टेकन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन बाय द इंडिपेंडेंट मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन पैनल। ओके, सो इंडिया ने भी कंसिडरेबल प्रोग्रेस किया है और इंडिया इज़ दी ओनली हाई एंडेमिक कंट्री जहाँ पे 17% का डिक्लाइन रिपोर्ट किया गया है 2019 में एज़ कम्पेयर टू 2018। सो आज का हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। कैसा लगा आपको आज का एनालिसिस ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।